सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने ये किया था कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देखा था। उसमें हमने क्या देखा, अगर किसी भी प्योर लिक्विड में अगर आप इन केस कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हो, प्योर लिक्विड में अगर आपने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाला, तो उसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा। उसमें ये ऑब्जर्वेशन मिलता है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने पर उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, और वेपर प्रेशर घट जाएगा इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हैविंग bond of factor 4 whose 20 gram on dissolving in whose 20 gram on dissolving in 500 gram of water produces a solution in solution having boiling point 105.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या बोला कि आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का, जिसका वन टॉप फैक्टर 4 दिया हुआ है, और 20 ग्राम ऑन डिसॉल्विंग इन 500 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस अ सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट इतना। मतलब आपको ये है कि डेल्टा फॉर्मूला, तो अभी भी आप डेल्टा टी वी बराबर आई इंटू के वी इंटू एम यही फॉर्मूला लगाओगे, इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला है नहीं आपके पास। और ऑलरेडी उसने क्या दिया हुआ है, Having burnt a factor whose on dissolving 500 gram of water produces a solution of BP. मतलब टी भी दिया हुआ तो टी नॉट भी नहीं दिया, टी नॉट भी नहीं भी दिया गया तो भी, तो बच्चा हमें क्या समझना बेटा, हमें ये समझना है कि भैया वो तो वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री, तो 100 में से 105 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5.2 हो जाएगा, आई के वैल्यू 4 है। अब के बी उसने दिया हुआ नहीं, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ वाटर का एटलीस्ट के बी आपको याद होना चाहिए। मोलालिटी क्या दिया हुआ नहीं पता, लेकिन मोलालिटी हम निकाल सकते हैं 20 बाय मोलर मास एम इंटू 1000 बाय 500, तो ये कितना टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। ओके बेटा, ये 2 टाइम चला गया, और ये 100 ये डिवाइडेड बाय 10, दिस और दिस कैंसल, 52 कैंसल, तो एम बराबर जो होगा 4 इंटू 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा इसका क्या मोलर मास, इसका वेट कितना हो जाएगा 16 ग्राम। तो आई होप सो ये आपको छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये दिस वाज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं हम इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कभी कभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऐसा भी बन जाता है कि जैसे मान लो डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, के बी इंटू एम। ठीक है, लेट आई इंटू के बी, आई की वैल्यू 1 ही मान के चल रहा हूँ, और पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा एक्स बी होगा, इज इक्वल टू एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, एक जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, अगर मुझे इसको और इससे रिलेट करना है, इसको क्या करना है, इससे रिलेट करना है, तो आपको पता होगा मोलालिटी बराबर क्या होता है, मोलालिटी बराबर होता है एक्स बी बाय 1 माइनस एक्स बी
इंटू 1000 बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मुझे इन दोनों का रिलेशन अगर निकालना, देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया, दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल लिया, डोंट वरी ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे भी, ठीक है। अगर आपको मोलरिटी दिया, अब मुझे पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए सॉल्यूशन कैसा रहता है, हमेशा डायल्यूट सॉल्यूशन होता है, तो ऑब्वियस बात है 1 - xB को आप क्या कर सकते हो, 1 मान सकते हो, तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू xB, मान लो इंटू xB कर लिया मैंने इसको, हाँ या ना, ठीक है। तो ये लेकिन अगर मैंने ये ग्राम में लिया तो इसको आप किस में लोगे, इन kg, अगर आपको 1000 हटाना है, आपको क्या करना है 1000 हटाना, तो आप इसको क्या कर दो, kg में कर दो, मॉलिक्यूलर मास इन सॉल्वेंट को kg में कर दो, तो 1000 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा इस केस में। तो इस केस में अगर आप xB की वैल्यू पुट करोगे तो P0 - P/P0 = मोलिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो ये एक नया फॉर्मूला बनता है जिससे आप हालांकि डिराइव नहीं भी करते तो भी चल जाता था, बट एक था, तो इसी कारण मैंने बता दिया ताकि एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर तो आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। चलो अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो दिस वाज ओवर योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं हम इसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। अब आगे हम सॉरी दिस वाज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आगे हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब डिप्रेशन, तीसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन और एलिवेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग है, एलिवेशन मतलब इंक्रीज करना और डिप्रेशन मतलब डिक्रीज करना, ठीक है। तो कैसे डिक्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, वो अभी हम देखेंगे, बट इसका प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा यूज़ है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा यूज़ कैसे वो मैं आगे समझाऊंगा। पहले तो मैं समझा रहा हूँ कि भैया फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड, टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड, टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, विथ each other, temperature at which solid and liquid remains in equilibrium with each other or is called freezing point, or इसी को हम क्या बोलते हैं, melting point भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, melting point, मतलब जिस temperature पे solid और liquid इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर देता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं या मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखना होगा, जिस टेम्परेचर पे गैस और लिक्विड मेरा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेगा वो मेरे लिए बॉइलिंग पॉइंट है, और जिस टेम्परेचर पे मेरा गैस और सॉरी सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये मैं बोल रहा हूँ, अगर ये ब्लॉक आइस का दिया हुआ, क्या दिया हुआ, आइस का, और यहाँ पे मैंने वाटर दिया हुआ, इस पूरे सिस्टम को मैंने टेम्परेचर 0°C पे मेंटेन किया, किस पे मेंटेन किया, 0°C, क्या इसमें कुछ भी फर्क आएगा, मतलब क्या आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा या वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं। मैंने क्या बोला, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब आप यहाँ से ऑब्जर्व करो कि एक्चुअली ऑलरेडी ये टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे, मतलब ना ही आइस वाटर में कन्वर्ट होगा ना ही वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरा सॉलिड है और यहाँ पे मैंने क्या लिया, लिक्विड लिया, क्या लिया मैंने, लिक्विड, ये लिक्विड इसी का सॉलिड फॉर्म है, मान लो ये H2 और ये आइस है,
तो H2O उसका लिक्विड फॉर्म हुआ। अगर पानी वाटर की बात करूँ तो वाटर उस H2O क्या है, लिक्विड फॉर्म है। और अगर मैं आइस की बात करूँ तो वो H2O का क्या है, सॉलिड फॉर्म। तो उसी का सॉलिड फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर 10 मॉलिक्यूल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं तो उतने ही मॉलिक्यूल लिक्विड से सॉलिड में भी जाने की टेंडेंसी रखते हैं। इसको आप बेसिकली केमिकल पोटेंशियल से समझने की कोशिश करो। केमिकल पोटेंशियल क्या कहता है, इज द टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट या टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन फेज टू अनदर स्टेट या वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो बेसिकली क्या होता है, इनका म्यू नॉट यहाँ पे क्या होगा, इसका म्यू बराबर क्या होगा, म्यू नॉट के बराबर। मतलब जितना सॉलिड का म्यू म्यू नॉट के बराबर होगा उतना ही लिक्विड का भी म्यू म्यू नॉट के बराबर होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे मैंने प्योर वाटर लिया, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लिया। इसका मतलब अगर मान लो 15 मॉलिक्यूल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं तो उतने ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखे थे। एंड दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस मेरा क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कौन सा, जिसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। तो सपोज करो ऐसा ही कंटेनर मैंने लिया और यहाँ पे मैंने शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन लिया। किसका सॉल्यूशन लिया, शुगर प्लस वाटर का, और यहाँ पे मैंने आइस डिजोल्व कर दिया। क्या कर दिया, मैंने आइस को डिजोल्व कर दिया। अब क्या होगा, क्या होना चाहिए, और अगेन मैंने क्या किया, इसको सेम टेम्परेचर पे मेंटेन किया जिसका टेम्परेचर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस रखा। तो अब आपके हिसाब से क्या होगा कि पूरा आइस जो है वो वाटर में इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा या ये पूरा सॉल्यूशन आइस में सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या क्या कर सकते हैं हम इस केस में, तो बताओ, तो समझो बात को थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले सिचुएशन में क्या हो रहा था कि म्यू बराबर म्यू नॉट था, दैट इज वाई टी 0 डिग्री सेल्सियस में क्या था कि भाई जितना सॉलिड से लिक्विड में जाने की टेंडेंसी रखता है मॉलिक्यूल उतने ही लिक्विड मॉलिक्यूल सॉलिड में भी कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। उनका म्यू बराबर म्यू नॉट है, लेकिन अब यहाँ पे म्यू बराबर म्यू नॉट नहीं होगा वो फॉर्मूले से, याद करिए। क्यों, क्योंकि प्लस RT ln x भी सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ln x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब वो वाला वैल्यू रहता है वो नेगेटिव आएगा। तो पहले से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर सॉलिड से लिक्विड जाने की मॉलिक्यूल अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल लिक्विड में टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन अब उतने मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिक्विड वाले सॉलिड में नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब इनका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 नहीं है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ घट गई है। तो पहले मान लो अगर 15 सॉलिड मॉलिक्यूल लिक्विड में टेंडेंसी रखते थे और 15 ही मॉलिक्यूल लिक्विड वाले सॉलिड में बनने की टेंडेंसी रखते थे, लेकिन अब यहाँ पे 15 सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में कोई चेंज नहीं आया, सॉलिड का म्यू म्यू नॉट ही रहेगा, मतलब इसका जो म्यू है वो म्यू नॉट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये तो प्योर वाटर का सॉलिड है, प्योर फॉर्म का सॉलिड है। तो भैया इसके अभी भी 15 वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिक्विड में बनने की टेंडेंसी रखेंगे, लेकिन रिवर्स वाला पॉसिबल है क्या, क्यों, क्योंकि अभी मेरा मोल फ्रैक्शन है तो इसका म्यू बराबर म्यू नॉट नहीं होगा। इसका मतलब अब क्या होंगे, हो सकता है या 7 या 8 ही लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे जो सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। तो नेट टेंडेंसी क्या होगा, आप ऐसा समझो H2O सॉलिड, अगर H2O लिक्विड है मान लो, अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट टेंडेंसी कहाँ चली जाएगी, नेट टेंडेंसी फॉरवर्ड से बैकवर्ड। क्यों, क्योंकि आप खुद से देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रख रहे हैं और यहाँ से कम हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनमें अब प्योर लिक्विड है नहीं, अब शुगर भी है, शुगर तो ऑलरेडी क्या है मेरा बेटा, सॉलिड फॉर्म में, वो अपने हमेशा, मैंने क्या बोला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो सॉल्यूट होता है जो अपने हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है, वो कभी भी फ्रीज नहीं हो सकता। तो बहुत कम ही वाटर मॉलिक्यूल होंगे जो सॉलिड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेंगे, ठीक है। अब ये हो सकता है कि 0 डिग्री पे ऐसा हो रहा है, लेकिन सपोज करो मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, -1 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं, सपोज करो मैंने ऐसा किया, अब क्या होगा कि पहले 7 हो रहे थे, अब फिर से 15 पहले मैंने कितना लिया था, 15 वाले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे, अब ये भी 15, अब जैसे मैंने टेम्परेचर और घटाया
अब ऐसा बोलोगे तो माइनस 50 कर दोगे तो भैया हर चीज़ फ्रीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कहीं से कहीं दिमाग में सर माइनस 100 डिग्री कर दो, तो माइनस 100 डिग्री में तो बेटा इंसान नहीं जिंदा रह पाएगा, तो ये तो इनकी तो औकात ही क्या है। तो कुछ भी कर लोगे माइनस 15 20 25 पे तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वैलिड तब होता है जब एक लिमिटेड टेम्परेचर तक डिक्रीज हो। कहने का मतलब क्या है कि जीरो डिग्री पे अगर 15 सॉलिड मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन जीरो डिग्री पे लिक्विड के जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना शुगर प्लस वाटर का, लेकिन शुगर तो सॉलिड फॉर्म में नहीं जा सकता, लेकिन वाटर तो जा सकता है, तो जीरो डिग्री पे क्या हो रहा था, मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि साथ ही वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैंने और टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि माइनस 1 डिग्री पे क्या हो रहा है कि अभी भी ये तो 15 ही कर रहे हैं, क्योंकि इसका म्यू तो म्यू नॉट के बराबर ही है, तो कभी भी चेंज नहीं करेगा। भैया कितना ही टेम्परेचर करो ये अपनी उसी क्षमता से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगा, लेकिन जैसे ही आपने और टेम्परेचर घटाया तो पहले 7 हो रहे थे जीरो डिग्री पे, अब फिर से 15 होने लगेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, मुझे पता चल रहा है कि माइनस 1 पे ये क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश कर रहा है, तो दिस इज योर फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब पहले आपका जीरो डिग्री पे था, अब आपको क्या करना पड़ रहा है, माइनस 1 डिग्री देना पड़ रहा है इसको पूरा का पूरा फ्रीज करने के लिए, मतलब इसको म्यू नॉट के बराबर करने के लिए। आई बात समझ में कि क्यों, क्योंकि जीरो डिग्री पे मैंने एक बार ये ऑब्जर्व किया था भाई, साथ ही मॉलिक्यूल ऐसे थे जो मेरे यहाँ से तो 15 जा रहे थे बट यहाँ से सिर्फ 7 जा रहे थे जो फ्रीज हो रहे थे, लेकिन जैसे मैंने जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाए एक समय तो ऐसा भी आएगा ना कि इनके भी 15 कम से कम फ्रीज होने लगेंगे, और जिस टेम्परेचर पर ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करो कि प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री, अब आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो चुका है, माइनस 1, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट आपका क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, बरोबर। आप ये तो मैंने मैथमेटिकली और डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करी, आप ऐसे भी ऑब्जर्व करो। ऐसे ऑब्जर्व कैसे करो कि जैसे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, सपोज करो 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे क्या होता है कि भैया वो 0 डिग्री पे क्या होता है, कोई भी वाटर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता है सॉलिड अपने सॉलिड फॉर्म के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ मिला दिया, आपने क्या किया उसमें कुछ मिला दिया, लेट इट बी कुछ भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो वेपर प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा, तब आपको टेम्परेचर और घटाना पड़ेगा ना उसके सॉलिड फॉर्म में जाने के लिए। एक तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम हो गया और आपको कम करना पड़ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ग्राफिकली समझो तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घट चुका है, बरोबर, क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कि पहले 15 जा रहे थे और फिर 7 जा रहे थे, यहाँ से 15 जा रहे थे, यहाँ से 7 जा रहे थे जीरो डिग्री पे, मैंने और टेम्परेचर घटाया, ये तो अपने उसी टेंडेंसी से फ्री मेल्ट करेगा, लेकिन ये अपने उसी जीरो डिग्री पे भी 15 सॉलिड वाले लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे और 0 डिग्री पे 7 लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर घटाते जाऊंगा तो ये तो टेंडेंसी चेंज नहीं करेगी, ये तब भी 15 रहेंगे बाद में 15 है, लेकिन इनकी टेंडेंसी चेंज हो जाएगी धीरे धीरे। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट के बराबर तो बोल सकते हो कि म्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी फिर से क्या होने लगेंगे, फ्रीज होने लगेंगे। लेकिन एक बात और है, इसका सिर्फ वाटर वाला पार्ट ही फ्रीज करेगा, शुगर वाला पार्ट एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के, ठीक है, जैसे मान लो ये है मेरा सॉलिड है, सॉल्वेंट है, मान लो ये मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉरी दिस इज योर सॉलिड वेपर प्रेशर और दिस इज योर व्हाट लिक्विड, या लिक्विड को हम बजाय हम सॉल्वेंट में रखें, तो ये जो पॉइंट होता है ये मेरा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अभी मैंने आपको क्या बोला, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है तो इसको कम से कम ये यहाँ पे कट करेगा, दिस इज योर सॉल्यूशन, तो आप खुद से देखो वेपर प्रेशर घट गया तो आपको और कम टेम्परेचर और टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम है तो आपको सॉलिड के वेपर प्रेशर पे जाने के लिए टेम्परेचर और कम करना पड़ जाएगा, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो ग्राफिकली भी, पहले ये इस टेम्परेचर पे मीट कर रहे थे जब वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा के डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब वेपर प्रेशर घट गया तो आपको इसके सॉलिड फॉर्म में जाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा, तो दिस इज योर टी नॉट एफ,
दिस इज योर टी नॉट एफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टी एफ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, टी एफ। उससे ऑब्जर्व कर, सॉल्वेंट ऊपर है, सॉल्यूशन नीचे, यही बॉइलिंग पॉइंट में भी था अपना। और ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ, मतलब डिप्रेशन इन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मतलब डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। वहाँ पे हम क्या करते थे, टी बी माइनस टी नॉट भी करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी नॉट एफ माइनस टी एफ करेंगे। आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी। मैंने आपको पहले बोला था कि जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोलिलिटी पे ही डिपेंड करती है। तो डेल्टा टी एफ का साइन, जब आप साइन डेल्टा टी एफ मतलब टी नॉट एफ माइनस टी एफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या होगा, आई इंटू के एफ इंटू एम। क्या होगा, आई इंटू सेम के बी जैसा ही है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, के बी को हम क्या देते, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। ये क्या होगा, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं। या इसको एक और नाम है, क्रायोस्कोपिक नाम है इसका, क्रायोस्कोपिक। क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अब देखो के बी क्या इंडिकेट करता था, क्या के बी इंडिकेट करता था, के बी एक्चुअली वो तो सॉलिड का क्या होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, वो लिक्विड के लिए ही डिफाइन होता है। और हर सॉल्वेंट का अपना अपना के बी का वैल्यू होता है, तो हर सॉल्वेंट का जो के बी वैल्यू होता है, अगर आपने मोलिलिटी वन रखी तो इंक्रीज जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो के बी के बराबर ही होगा। वैसे ही सेम के एफ है, अगर आपने आई की वैल्यू वन रखी, मोलिलिटी वन रखी, तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 1.86 टाइम्स डिक्रीज होता है। जैसे वहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि के बी का जो वैल्यू होता है वो 0.52 होता है केल्विन के जी पर मोल। ये हमने किसके लिए ऑब्जर्व किया था, ये के बी के लिए ऑब्जर्व किया था। वैसे के एफ का जो वैल्यू होता है 1.86 केल्विन के जी पर मोल। ये 1.86 का मतलब क्या होता है कि अगर आपने प्योर वाटर में आपने वन मोलल सॉल्यूशन बनाया और उसका आई की वैल्यू, और उसमें ऐसा सॉल्यूट डाला जिसकी आई की वैल्यू 1 है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा वो 1.86 से घटेगा। मतलब जो पहले जो था मेरा वाटर फ्रीज हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस में, अब वाटर मेरा -1.86 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। तो ये उसकी घटने की क्षमता को बताता है कि भाई कितने टाइम घट सकता है, ये उसके बढ़ने की क्षमता को बताएगा कितने टाइम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है। तो आई होप सो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बेटा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इसके ऊपर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो आपके क्वेश्चंस एडवांस में भी आए हुए हैं एक दो बार, ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार समझ लो। इस कॉन्सेप्ट को, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, हालांकि छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन। देखो एक्चुअली होता क्या है, एक मिनट, एक्चुअली होता है क्या, सेपरेशन ऑफ आइस में आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, या फ्रीजिंग पॉइंट का, या किसी भी चीज़ को फ्रीज करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो 3D कॉन्सेप्ट होता है। पहले जो फ्रीजिंग होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब पहले कहाँ से करता है, पहले नीचे से फ्रीज करना चालू करेगा, ठीक है, और फिर साइड में फ्रीज करना चालू होगा, उसके बाद अपर में फ्रीज करना चालू करेगा, ठीक है, सॉरी पहले अपर में फ्रीज होता है, फिर साइड में फ्रीज होता है, बाद में फिर अंडर में मतलब डीप डाउन फ्रीज होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी हॉलीवुड्स मूवी में जो आइस स्केटिंग करते हैं, जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं ना, वो आइस स्केटिंग करते हैं। आइस स्केटिंग में क्या मिलता है कि वो नदी के ऊपर वो आइस स्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा साइड साइड में फ्रीज तो पूरा रहता है नदी के, लेकिन बीच में नदी के बीच में क्या होता है, पानी पानी के फॉर्म में रहता है,
बराबर, वो तो फ्रीज होता नहीं, और इस वजह से अगर बर्फ, अगर बर्फ़ की सतह अगर पतली है तो आदमी डूब भी जाता है उसके अंदर। तो आपको बेसिकली कहना, समझाने का मतलब ये होता है कि फ्रीजिंग का जो भी प्रोसेस है वो हमेशा 3D होता है, पहले 1D होता है, फिर 2D होता है, फिर 3D होता है, मतलब डेप्थ में, फिर बाद में होता है लास्ट में, ठीक है। ये पहली बात थी। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज़ क्या होता है, तो जैसे बेटा जो बहुत कोल्ड कंट्रीज होती है ना, जैसे रशिया हुआ, कनाडा हुआ, वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा था, वहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट होता है -10 डिग्री, -5 डिग्री, मतलब -5 तो उनके लिए कॉमन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ये हमारे लिए बहुत ही लो टेम्परेचर का, बट दे आर हैबिचुएटेड फॉर दैट टेम्परेचर, -5 तो नॉर्मल ही वहाँ पे टेम्परेचर माना है, -5 से -10 के बीच में टेम्परेचर रहता है सर्दियों के अंदर। होता क्या है वहाँ पे, समझो बात को, जब ये इतना लो टेम्परेचर रहता है ना, तो आपने अगर आपके घर में गाड़ी होगी तो आपने रेडिएटर सुना होगा, गाड़ी का एक रेडिएटर होता है, उस रेडिएटर में हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं ताकि वो इंजन को ठंडा कर सके टाइम टू टाइम, हालांकि जो भी यूज़ होता है, आई एम नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बट थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि भाई रेडिएटर में पानी ख़त्म हो गया तो हीरो पानी लेने जाता जंगल में ढूंढने के लिए, व्हाटएवर जो भी है, तो बेसिकली क्या होता है, रेडिएटर में पानी होता है, कार के रेडिएटर में क्या होता है, पानी होता है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो पानी होता है, और अगर मान लो आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस, क्या है टेम्परेचर, -5 डिग्री सेल्सियस। देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर आपका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, I into KF into WB by MB into 1000 by WA, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे समझाने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने रेडिएटर में पानी डाला, आपने उसको फ्रीज करना चालू किया, तो फ्रीज करना मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हो, अगर कोल्ड कंट्रीज है, रेडिएटर में पानी है, और मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियस बात है रेडिएटर के अंदर का वाटर जो हो जाएगा वो फ्रीज हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या गाड़ी चालू होगी, गाड़ी चालू नहीं होती है। उस केस में वो लोग क्या करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल एक लिक्विड आता है, क्या आता है, इथिलीन ग्लाइकोल को वाटर में पहले से मिक्स करके फिर वो रेडिएटर में डालते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल क्या करता है, इथिलीन ग्लाइकोल एक एंटी डिप्रेशन मटेरियल है, क्या है, एंटी डिप्रेशन मटेरियल का मतलब क्या होता है कि वो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या होता है, बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट में घटाता है, क्या करता है, ट्रेमेंडस अमाउंट में घटाता है। अब वो क्या कर रहे, जैसे आप इथिलीन ग्लाइकोल को पानी में डाले, ठीक है, तो आपको तो भाई पता आपने कितना वाटर लिया और आपको कितने से घटाना है, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, इतनी ग्लाइकोल आप कितना मिक्स करो, वेट ऑफ वाटर आपको पता है कितने से मिक्स कर रहे हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वाटर और अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर, मान लो सराउंडिंग -5 डिग्री है, तो कम से कम आप -8 डिग्री और घटा दोगे उसका, उस मटेरियल का टेम्परेचर, तो ऑब्वियस वो फ्रीज करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा भाई, सराउंडिंग का टेम्परेचर -5 है, इथिलीन ग्लाइकोल डालने के बाद सपोज करो -8 डिग्री टेम्परेचर चला गया, मतलब अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -8 है, -5 नहीं है वाटर का 0 डिग्री है, 0 डिग्री से उसने कहाँ कर दिया, -8 डिग्री कर दिया, सराउंडिंग का -5 है, तो क्या वाटर आइस के फॉर्म में जाएगा, कभी नहीं जाएगा, वाटर वाटर के फॉर्म में ही रहेगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल को मिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वाटर, और इस तरीके से वो क्या करता है, उन पानी को पानी के फॉर्म में ही रहने देता है। तो बेसिकली क्या करता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि भाई वो हमें ये पता चल जाता है कि इतना अमाउंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डालने से क्या हो जाएगा, मेरा इतना वाटर क्या हो जाएगा, इतने डिग्री से घट, इनका इतने डिग्री से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये तो पहला यूज़ था। दूसरा यूज़ क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं कोल्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि बर्फ़ की चादर, बर्फ़ आ जाता है, तो वहाँ पे वो हटाने के लिए क्या, हटाने के बाद वो क्या करते हैं, उनके ऊपर नमक का छिड़काव कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नमक भी क्या बेटा, एक तरीके का एंटी डिप्रेशन, उनके फ्रीजिंग पॉइंट को वो क्या कर देता है, वो घटा देता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को जैसे घटा दिया, भाई मान लो सपोज करो पहले आइस जो था 0 डिग्री पे था, मान लो -3 पे, सपोज करो टेम्परेचर सराउंडिंग का मेरा -1 है और मटेरियल का टेम्परेचर, मान लो आइस का टेम्परेचर मेरा -3 हो गया, तो क्या वो फिर से आइस बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि आपने नमक मिलाने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट क्या कर दिया, घटा दिया,
ऑब्वियस सी बात है, इसलिए वो क्या करते हैं नमक का छिड़काव करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जो कोल्ड कंट्रीज में जो प्लेन चलते हैं ना, प्लेन एरोप्लेन, उनका भी क्या कहता है नमक और पानी से छिड़काव किया जाता है। क्यों बेटा, अगर मान लो वो आकाश में जा रहा है, आकाश में जा रहा, मान लो वहाँ का टेम्परेचर सडन फॉल बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, तो क्या हो सकता है इंजन बंद होने की टेंडेंसी रहती है। तो पहले क्या करते हैं नमक पानी की कोटिंग करते हैं पूरे प्लेन में, उसको हम डी आइसिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी आइसिंग। इसलिए कभी कभी देखते होंगे जो बहुत ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज है, बर्फ़ गिर रही है, तो वहाँ पर फ्लाइट बहुत ज़्यादा डिले होते हैं। दिस इज द बेसिक रीज़न कि डिले होने का रीज़न क्या है, क्योंकि इतने बड़े प्लेन को डी आइसिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो दिस वाज जो ओवरऑल यूज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो कुछ अब हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ आइस का पढ़ लो। जैसे सपोज करो ये क्या था मेरा, शुगर प्लस वाटर था। क्या था? शुगर प्लस वाटर था, और मैंने, और ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में था, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंटिन्यूस कूलिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? कंटिन्यूस कूलिंग कर रहा हूँ। कंटिन्यूस कूलिंग होने पे आपको ये ऑब्जर्व मिलेगा कि भाई इसमें से जो वाटर का जो पार्ट था वो आइस में कन्वर्ट होके सेपरेट हो रहा है। वाटर का जो है, ये जो मैंने छोटे छोटे गोल गोल बनाए हैं, ये आइस है, आइस है, ये वाटर के आइस है। आप कंटिन्यूस कूलिंग करते जा रहे हो, मतलब टेम्परेचर घटाते जा रहे हो, तो क्या होगा? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमेशा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में रहेगा, मतलब सॉल्यूशन तो एज इट इज फॉर्म में रहेगा। भले ये हो सकता है कि इसका जो आइस, इसका जो वाटर वाला पार्ट है, उसमें से आइस क्या होते जाएगा, सेपरेट होते जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ आइस। अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया आपने तो कंटिन्यू क्या कर रहे हो भैया, आप इसको सेपरेट करते जा रहे हो, तो इसका क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब मोलेलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप खुद से देखो ना कि भाई आप इस सॉल्यूशन को कंटिन्यूस ठंडा करते जा रहे हो, तो इसमें से वाटर वाला पार्ट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे बाहर आइस के फॉर्मेट में बाहर निकलते जाएगा। तो एक समय ऐसा तो आएगा ना कि किसी ना किसी टेम्परेचर पे ये दोनों क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, मतलब जैसे जैसे कंटिन्यूस कूलिंग करते जाओगे मोलेलिटी बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो मोलेलिटी होगा इसके डेल्टा टी एफ के बराबर हो जाएगा। मान लो अगर ये 0 डिग्री था, तो लेट से माइनस टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस पे ये इतना मोलेलिटी हो गया ताकि ये इसके डेल्टा टी एफ को सेटिस्फाई करे। मतलब जैसे ही माइनस, मतलब डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला कितना हो गया, 5 डिग्री। और मान लो इतने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए 5 डिग्री ही मुझे चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट इनका। बात समझना, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या 0 डिग्री पे ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहे, नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूस कूलिंग कर रहा हूँ। कंटिन्यूस कूलिंग करने पे क्या मिलेगा आपको, आइस सेपरेट होते जाएंगे। क्या होता है, वाटर का जो भी फॉर्मेट होगा, वाटर वाला जो लिक्विड होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे WA का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म ओनली। ये बात हमेशा याद रखना। क्या याद रखना? क्योंकि जो हम यहाँ पे WA लेते हैं वो हमेशा सॉलिड लिक्विड फॉर्म वाला WA होता है। आई बात समझ में? वो सॉलिड फॉर्म नहीं होता, मतलब जो भी आइस में कन्वर्ट हो चुका है उससे मुझे अब कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे किससे, कि यहाँ पे जितना भी मेरा सॉल्यूशन में लिक्विड बचा हुआ है, एज अ वाटर एज अ लिक्विड बचा हुआ है, अब धीरे धीरे वाटर घटते जा रहा है, टेम्परेचर घटाते जा रहे हो, वाटर घट रहा है क्योंकि वो आइस के फॉर्मेट में बाहर निकल रहा है, सेपरेट होते जा रहे हैं वो इनसे। एक समय ऐसा आएगा कि इनकी मोलेलिटी बढ़ जाती है, और इतनी मोलेलिटी बढ़ जाएगी कि वो किसके बराबर हो जाएगी, वो डेल्टा टीएफ के बराबर हो जाएगी। और जैसे ही ये इसके बराबर हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेंगे, और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्या, कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ आइस। आई होप सो आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल, आई होप सो नहीं हो रहा, क्योंकि 0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो रहा था। आपको एक ऐसा समय आएगा कि इसके भी उतने ही मॉलिक्यूल सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे, सॉलिड वाले उतने मॉलिक्यूल लिक्विड में, मतलब एक समय के बाद मोलेलिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो इनके फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाता है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पहले 0 था, ये माइनस टी होगा, माइनस 5 डिग्री पे क्या हो जाएगा, मोलेलिटी ऐसा हो जाएगा कि माइनस 5 डिग्री पे इनकी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ आइस, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ आइस, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, मैंने आपको क्या बोला है कि आप खुद से ऑब्जर्व करो बेटा। फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है ऑनलाइन में
आपको मैं आपको नहीं पकड़ पा रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट समझने की कोशिश करो भाई। 0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूस कूलिंग करने पे क्या होगा, वाटर एज अ सॉलिड फॉर्म वो बाहर निकल जाएगा। तो वाटर एज अ वाटर कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। तो मान लो एक ऐसा समय आया कि -5 डिग्री पे आपने इसको मेंटेन किया और उस टेम्परेचर पे ये क्या हो चुका है, मोलिलिटी जो है इसके डेल्टा टी एफ के बराबर हो चुकी है। मान लो इसके एग्जैक्ट डेल्टा टी एफ के बराबर हो चुकी है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे इस मोलिलिटी पे ये फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। इसका मतलब इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेगा। तो आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, केएफ की बात अलग कर रहा हूँ मैं, केएफ की तो बात है ही, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पर ये डेल्टा टी एफ दे रहा है। इस टेम्परेचर पे मोलिलिटी बढ़ रही है, मोलिलिटी बढ़ रही है, केएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो सपोज करो इसके एग्जैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो गया। एग्जैक्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपको कैसा पता चलेगा कि आप ऑब्जर्व करोगे, वैसे आपने 0 डिग्री किया, 1 डिग्री किया, 2 डिग्री किया, 3 डिग्री किया, 4 डिग्री किया, जैसे ही आप 5 डिग्री पे आओगे तो अब आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा और वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब ये रुक चुके उस जगह पे, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। कितने मोलिलिटी पर, मान लो व्हाटएवर जो भी मोलिलिटी है, क्योंकि आप जैसे जैसे टेम्परेचर घटाओगे सॉल्यूशन लिक्विड वाला क्या पार्ट होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होते जाएगा, मोलिलिटी बढ़ते जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेंगे। इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ आइस। तो कभी भी याद रखना, कभी भी किसी भी सॉल्यूशन को जो कंटेन करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करता है, तो उसमें हमेशा इस बात को याद रखना कि जो भी सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करता है उसमें हमेशा जो उसका लिक्विड पार्ट होता है वही फ्रीज होता है, उसका सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट पार्ट ही फ्रीज होता है, सॉल्यूट पार्ट एज इट इज उसके उसी फॉर्म में रहेगा। आई बात समझ में, आप ऑब्जर्व कर सकते हो ऐसे, जब आप पाक बनाते हो ठीक है, आपने मतलब जो भी रसगुल्ला या गुलाब जामुन का जो हम चाशनी बनाते हैं उसमें आप कभी ऑब्जर्व करना, जब औकात से ज़्यादा आप चीनी डाल दोगे और उस समय के लिए तो वो बन जाएगा, लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट घटने से क्या होता है, जब आप उसको ठंडा करोगे, सॉल्यूशन को ठंडा करोगे, तो वाटर वाला पार्ट तो फ्रीज हो जाएगा लेकिन शुगर वाला पार्ट क्रिस्टलाइज हो जाता है। देखो चीनी नीचे डिपॉजिट हो जाए वो फ्रीज कभी नहीं करता, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे हमारे थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है। कैलकुलेट पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय डिजॉल्विंग 2.84 gram ऑफ Na2SO4 of Na2SO4 having degree of dissociation 75% in 200 gram of water। ठीक है बेटा, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने अल्फा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.75, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + n-1 × अल्फा। Na2SO4 में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 1 + 3-1 × 2 × 0.75, तो मतलब 1 + कितना हो जाएगा, 1.5, मतलब कितना हो जाएगा, 2.5। तो डेल्टा टी एफ बराबर कितना हो जाएगा, I × KF × m। अगेन मैंने के एफ के वैल्यू नहीं दिए, तो आपको वाटर के एफ की वैल्यू हमेशा क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वैलेंस करना 2.5 × 1.86 मोलिलिटी कितना,
भाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, 2.84 दिया हुआ है, और इसका मॉलिकुलर मास कितना हो जाता है, मॉलिकुलर मास हो जाता है 42 × 1000 बाय कितना हो जाएगा 200 ग्राम। तो आई होप सो यहाँ से आप क्या निकालोगे, फ्रीजिंग पॉइंट निकालोगे और इसकी वैल्यू जो आती है 4.65 आती है। कितनी आती है, 4.65। तो मुझे पता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर क्या होगा, 4.65। तो टी एफ बराबर कितना हो जाएगा, -4.65, क्योंकि टी नॉट एफ की वैल्यू तो क्या होगी, 0 डिग्री होगी। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना कि डेल्टा टी भी बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन डेल्टा टी एफ बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है बेटा, आप खुद से देखो, बॉइलिंग पॉइंट वाले में हम क्या करते थे, डेल्टा टी बी को प्लस करते थे, टी नॉट बी बरा प्लस टी बी इज टी नॉट बी माइनस टी बी, क्या करते थे हम, एक्स की वैल्यू मान लो डेल्टा टी बी 5 आया तो टी बी क्या, टी नॉट बी क्या करते थे हम, उसमें ऐड करते थे टी बी माइनस टी नॉट बी। फॉर्मूला क्या होता था, टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स होता था। तो ये जो भी वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो इस ऑब्वियस होता है डेल्टा टी एफ बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, आपको समझाई देता हूँ मैं इस केस में, जैसे सपोज करो 0.1 NaCl है और 0.1 मोलर, 0.1 मोलर NaCl है, 0.1 मोल यूरिया। आपको इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंपैरिजन करनी है, मान लो ये A है और ये B है, तो अगर मैं RLVP की बात करूँगा तो ऑब्वियस बात है A का RLVP B से ज़्यादा होगा, नॉट अबाउट द कंसंट्रेशन। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू 2 है, यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P0 - P/P0 इज इक्वल टू क्या होता है, I × XB। तो वट एवर कंसंट्रेशन तो सेम ही है, तो मोल फ्रैक्शन भी सेम ही आएगा, लेकिन आई की वैल्यू तो डिफरेंट है। तो यहाँ पे ए का आरएलवीपी ज़्यादा होगा। दूसरी बात करूँ डेल्टा टी बी की, तो डेल्टा टी बी भी क्या होगा, I × KB × M। तो बाकी सब सेम है, तो यहाँ पे अगेन ए की वैल्यू क्या होगी, बी से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ टी बी की, बॉइलिंग पॉइंट अभी भी किसका, ए का ज़्यादा होगा बी से। अगर मैं बात करूँ डेल्टा टी एफ भी किसका ज़्यादा होगा, ए का बी से ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ आई। लेकिन अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूँ तो ए का कम होगा बी से, क्यों, क्योंकि इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना कि ऐड करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम अच्छे लेवल के आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ले लो, इफ 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नहीं ये नहीं, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ NVS, द सॉल्यूशन ऑफ NVS इन वाटर फ्रीजेस एट 0.3 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.5 mmHg, ठीक है, k
Kf is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. ठीक है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. देखो एडवांस में क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे. फ्रीजिंग पॉइंट देगा तो आरएलबीपी का ही पूछेगा आपसे, या बॉयलिंग पॉइंट देगा तो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछेगा. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, हाउ मच ऑफ इथेनॉल, हाउ मच ऑफ इथेनॉल should be added to 1 liter of water should be added to 1 liter of water so that it will not freeze at -20 degree Celsius. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस that will separate out on cooling the solution containing 50 gram of ethylene. Ethylene glycol in 200 gram H2O. ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये क्वेश्चन वाकई एडवांस लेवल का है. ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि भैया आपको ये क्वेश्चन लिया हुआ 0.1 मोल. क्या लिया है? नेप्थलिन लिया हुआ. 0.1 मोल क्या लिया हुआ? नेप्थलिन लिया हुआ. पूरा लिख नहीं रहा मैं आपको बस समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को. और 0.1 मोल क्या लिया उसने? बेंजीन लिया हुआ है. ठीक है, ए सॉल्यूशन विच इज लिख देता हूँ मैं थोड़ा. ए सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ 0.1 मोल नेप्थलिन एंड 0.9 मोल बेंज. क्या कर रहा है? कूलिंग किया जा रहा है इसका कंटिन्यू. कूलिंग अप टू कितने तक? T डिग्री सेल्सियस तक कूल किया गया. अब उसमें ऐसा देखा गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट आइस, मतलब जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है वो सेपरेट आउट हो रहा है. सॉलिड फॉर्म क्या हो रहा है? सेपरेट आउट हो रहा है. द सॉलिड एंड उसके बाद क्या किया गया? एंड सॉल्यूशन वाज रिमूव्ड फ्रॉम सॉलिड एंड टेकन इन अ बीकर. ठीक है, क्या किया गया? अगेन वही वो वाला पार्ट जो आइस सेपरेट्स आउट वाला कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या हुआ, इस वाले पार्ट को हमने क्या किया, कंटिन्यूस कूलिंग किया गया टी डिग्री सेल्सियस तक. और उसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि सॉलिड पार्ट जो हो रहा है वो बाहर निकल रहा है आइस बन के या सॉलिड फॉर्म बन के. जो भी लिक्विड, जो भी इसमें जो भी पार्ट है, वो एक पार्ट होगा या तो नेप्थलिन सॉलिड फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो बेंजीन फॉर्म में सॉलिड फॉर्म बाहर निकलेगा. तो ये जो सॉलिड फॉर्म बाहर निकल रहा है, तो बच्चे को जो सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक सॉलिड वाला पार्ट हटा के बच्चे के जो सॉल्यूशन को हम बीकर में कंटेन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? बीकर में ले जा रहे हैं. ठीक है, वहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसका जो वेपर प्रेशर है पी, ये 670 टॉर है. क्या है? 670 टॉर. ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या दिया हुआ है, फ्री, उन्होंने गिवन डाटा क्या दिया हुआ है,
द फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन ऑफ प्योर बेंजीन T0F उन्होंने दिया हुआ है 278.5 एंड T0B उन्होंने दिया हुआ है 353 केल्विन, ठीक है। और अच्छा, ये जो टेम्परेचर है इन्होंने, अच्छा इस यहाँ पे इन्होंने इस बीकर को 353 केल्विन पे मेंटेन किया, याद रखना। इस टेम्परेचर को उन्होंने क्या किया, ये वाले सॉल्यूशन को उन्होंने इस बीकर में लाया और टेम्परेचर को 353 केल्विन पे मेंटेन किया, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट में उन्होंने 353 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच फ्यूज़न बराबर कितना है, 10.67 है, किलो जूल पर मोल दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर टी, क्या पूछा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर टी विच वॉज कूल्ड एंड मास ऑफ सॉलिड बेंजीन एंड मास ऑफ सॉलिड बेंजीन मास ऑफ सॉलिड बेंजीन विच वॉज फ्रीज आउट। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था उसी भी कॉन्सेप्ट पे मैंने ये बेहतरीन क्वेश्चन तैयार किया है, ठीक है। अच्छा एक बात और, क्योंकि डेल्टा एच फ्यूजन दिया, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको दी नहीं है, तो पहले क्वेश्चन में इसी से चालू करता हूँ, ठीक है। अब ऐसा समझो, पहले सॉल्यूशन आपको दिया हुआ 0.1 मोल नेप्थिलीन 0.9 मोल बेंजीन। अब आप ये डिसाइड करो इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन सा, सॉल्यूट कौन सा, तो ऑब्वियस बात है जो लार्जर अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो लेस अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। तो इसका मतलब अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.1 मोल नेप्थिलीन तो बच रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेंजीन क्योंकि लिक्विड पार्ट है तो बेंजीन क्या होगा, सॉलिड बेंजीन के फॉर्म में बाहर निकल जाए। मतलब ये जो सॉलिड जो है ये किसका है, दिस इज योर सॉलिड बेंजीन, क्या है ये सॉलिड बेंजीन है। आई बात समझ में यहाँ तक आपको, ठीक है। तो अब आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भैया कितना मॉलिक्यूल, अब बचा कुचा जो बेंजीन है, लेट जो बचा कुचा इसका सॉल्यूशन होगा, मान लो जितना पार्ट सॉलिड में निकला उतने पार्ट का जो पार्ट सॉल्यूशन में निकला उसको हटा के जो बचा कुचा सॉल्यूशन है उसको मैंने एक क्या करा, कंटेनर में रखा, जिसका टेम्परेचर मैंने 353 केल्विन रखा, क्या रखा, 353 केल्विन। आई बात समझ में, और तब उसका मैंने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो 670 टॉर है, क्या है बेटा मेरा, 670 टॉर। क्योंकि अब एक काम करो, क्या आपको क्या निकालना है, आपको निकालना कि किस टेम्परेचर तक इसको कूल किया गया और कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड बेंजीन मेरा बाहर निकला। तो उसके लिए पहले आपको डेल्टा टीएफ बराबर क्या करना पड़ेगा, केएफ इनटू एम करना पड़ेगा। बट बिफोर दैट केएफ आपको निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, आर इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर, जो कल मैंने दिया था के बी के लिए वही के एफ के लिए भी लगेगा, इंटू मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। सेम फॉर्मूला है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.314, ठीक है, इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 278.5 का होल स्क्वायर इंटू मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाय 1000, डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है, 10.67, कितना दिया हुआ है, 10.67 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 3। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो के एफ का जो वैल्यू आता है वो 4.72 आया, कितना आया, 4.72। चलो पहला काम तो मेरा ख़त्म हुआ यहाँ पे, अभी भी तो मेरा मैंने लक्ष्य तक पहुँचा नहीं कि भाई कितने टेम्परेचर तक इनको फ्रीज किया गया ताकि ये सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल गया। मतलब एक समझ के मतलब टी टेम्परेचर तक अगर वो रुक चुका है,
कूल कर चुका है, तब आपको ये मानना पड़ेगा, ये बात कॉन्सेप्ट याद रखना, जब तक ये कूलिंग किया गया सॉलिड फॉर्म बाहर निकलते गया, एक समय के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो चुका होगा, इक्विलिब्रियम पे आ चुका होगा, ये आपको मानना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में आपको कभी दिया नहीं जाएगा। तो भाई कूलिंग अप टू कूल किया गया मतलब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा, मतलब यहाँ पे अगर आपको डेल्टा टीएफ की वैल्यू पता चल गई तो टी की वैल्यू पता चल गई तो केएफ तो कितना 4.72, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मोलैलिटी कितना भाई, आपने कितना मोलैलिटी आपको निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे मोलैलिटी आपको पता नहीं है, ठीक है। अब याद करो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या किया था, वेपर याद होगा मैंने आपको फॉर्मूला दिया था RLVP प्लस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे यूज़ करते, तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे डाटा निकालने पड़ेंगे, तो एक काम करते हैं, मुझे ये फॉर्मूला तो पता है, P0 - P/P0 = xB, बराबर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ, और XB को मैं क्या लिख सकता हूँ, m × मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये तो मैं अभी बताया था, ये फॉर्मूला अभी मैंने इसको बताया था। अब ये वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, देखो इसने क्या किया कि भाई इतने जो भी बचा कुचा सॉल्यूशन है, लेट मैं ऐसे मानता हूँ कि यहाँ पे n मोल बेंजीन बच रहा है लिक्विड फॉर्म में, n मोल बेंजीन क्या हो रहा है बच रहा है, तो सॉलिड फॉर्म कितना हो जाएगा 0.9 - n, इतना ही तो सॉलिड फॉर्म बाहर निकला हुआ है, टोटल 0.9 था, उसमें से n मोल बेंजीन आपने कहाँ लिया, सॉल्वेंट फॉर्म में लिया इस बीकर के अंदर, तो आइस फॉर्म कितना सेपरेट होगा 0.9 - n, वो आइस क्या हो चुका होगा सेपरेट आउट हो चुका हो जो, ठीक है। तो अगर आपको उससे पहले ये n भी निकालना है, t भी निकालना है, सब निकालना है, उसके लिए मोलरिटी में बहुत कन्फ्यूजन टाइप का हो चुका होगा, एक एक करके हम करेंगे। पहले हमने kf निकाला, अब ये डेल्टा tf के लिए t0f तो मुझे दिया हुआ है, तो t पता चल गया तो हम निकाल लेंगे, लेकिन आपको ना ये पता है ना ये पता है, तो पहले हम टारगेट रखेंगे m को निकालने का। अब m कैसे निकालेंगे, m हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। फिर RLVP को देखो, डायरेक्टली उसने कुछ नहीं दिया, बट इनडायरेक्टली बहुत चीज़ों का यूज़ करा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, T0f - T बराबर क्या हो जाएगा 4.72 × m, तो ये और ये दोनों निकालना, तो ये उसने डायरेक्टली कुछ नहीं दिया लेकिन RLVP का कॉन्सेप्ट दिया, RLVP का कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, मोलैलिटी निकालेंगे, और ये वैल्यू आपको दिया हुआ, कैसे दिया हुआ, देखो भैया इसने क्या किया, प्योर बेंजीन को 353 केल्विन पे मेंटेन कर दिया, 353 केल्विन ही उसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, जिस वेपर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का बेंजीन लिक्विड बेंजीन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए वो मेरा क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। जब ये टेम्परेचर है तो इसका मतलब पी नॉट की वैल्यू तो 760 और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी -670 × 760 = molality × 78 × 10⁻³, क्योंकि आपको सॉल्वेंट का मेट kg में लेना है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोलैलिटी आता है 1.72, कितना आएगा 1.72। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे T0f - T = 4.72 × 1.72, यहाँ से मैंने क्या कर लूँगा, मैं टी की वैल्यू निकालूंगा, तो पहला पार्ट टेम्परेचर टी मेरा आ गया। अब उसने क्या बचा, व्हाट मास ऑफ सॉलिड बेंजीन वाज फ्रीज आउट, तो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में मोलैलिटी मुझे दिया हुआ 1.72 मैंने निकाला भी है। अब इस फॉर्मूले में जो हम WB / MB करते हैं, क्या करते हैं हम WB / MB, तो उसको हम कैसे करेंगे, देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका अभी भी 0.1 है। अब सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में कितना है मेरा, सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में मेरा है n, एक मिनट, n मोल बेंजीन इतना है, हाँ n मोल ही है ना, सॉरी n मोल ही तो लिक्विड बेंजीन बच रहा था यहाँ पे, और सॉलिड फॉर्म कितना निकलेगा 0.9 - n। अगर n को मैंने मल्टीप्लाई किया 78 से, मतलब दैट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट × 10⁻³, ये क्या हो जाएगा kg, मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट ही तो क्या होता है, ये होता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो अमाउंट ऑफ आइस सेपरेट तो 0.9 - n, तो प्लीज़ यहाँ पे हमारे आंसर बताओगे, बहुत आसान था क्योंकि मैंने बोला कि n मोल बेंजीन लिक्विड में बच रहा है,
बाकी सॉलिड फॉर्म कितना बन रहा है 0.9 माइनस एन। तो मोलिलिटी, मैंने ये मोलिलिटी हम किसके लिए लगाते हैं, ये मोलिलिटी हमेशा उस लिक्विड सॉल्वेंट के लिए लगाते हैं जो मेरा लिक्विड फॉर्म में है ऑलरेडी, ये मोलिलिटी उसी के लिए वैलिड होता है, ये आइस के लिए वैलिड नहीं होता है। याद होगा मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखा था भाई, WA हमारे लिए वो सॉल्वेंट, वो वेट ऑफ द सॉल्वेंट है जो मेरा ऑलरेडी लिक्विड फेज में प्रेजेंट है। आई बात समझ में? तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन मेरे नज़र में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, अब धीरे धीरे बाकी एक क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट्स आउट ऑन कूलिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन 200 ग्राम ऑफ H2O। भाई उसने क्या बोला है कि H2O और इथिलीन ग्लाइकोल का उसने क्या लिया है, इथिलीन ग्लाइकोल का उसने सॉल्यूशन लिया है। तो बोला कितना अमाउंट ऑफ आइस सेपरेट आउट हो जाएगा कूलिंग करने पर अगर 200 ग्राम टोटल वाटर ले रहे हो। तो मुझे पता है डेल्टा TF बराबर क्या होगा, आई इंटू KF इंटू M। तो मैं यहाँ से इस मोलिलिटी से मैं वेट ऑफ द वो सॉल्वेंट निकाल लूँगा जो मेरे लिक्विड फेज में, और जितना लिक्विड फेज में है उसको टोटल वेट ऑफ इनिशियली, मतलब बिफोर जब मैंने कुछ नहीं किया था उसको मैंने अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे अमाउंट ऑफ आइस मिल जाएगा। कैसे समझो बात को, हमारा डेल्टा TF कंटेन इतनी का ये इतना ही है क्या, इससे मैंने कुछ नहीं दिया क्या, एक मिनट ही क्वेश्चन को मुझे फिर से चेक कर लेने दो। How much ethylene amount of given data आपको दिया हुआ डेल्टा TF बराबर दिया हुआ 9.3 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है तो आपको करना कुछ नहीं है। तो देखो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू एम, तो ये कितना हो जाएगा 9.3, KF कितना हो जाएगा 1.86, और मोलिलिटी कितना हो जाएगा, मोलिलिटी यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अगर आप मोलिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा मोलिलिटी। आई बात समझ सबको? ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देखो, मोलिलिटी 5 आ गया, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आपने कितना डाला 50 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल डाला डिवाइडेड बाय 46, इथिलीन ग्लाइकोल का मोलिकुलर वेट होता है 46 इंटू 1000 बाय WA, मतलब दिस इज द वेट ऑफ दैट सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन विच इज इन लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ से जब आप WA निकालोगे लेट इट बी X ग्राम आया, तो आइस सेपरेट आउट कितना हुआ होगा भाई, टोटल 200 में से X सब्ट्रैक्ट करो तो वो आपका क्या हो चुका, आइस क्या हो चुका होगा, सेपरेट आउट हो चुका, इतना अमाउंट ऑफ आइस निकल चुका होगा, बचा कुचा लिक्विड फॉर्म में रहा होगा। तो ये आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट इट विल नॉट फ्रीज एट -20 डिग्री। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो डेल्टा TF ऑलरेडी उसने कितना दिया, -20 डिग्री तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके लिए कितना इथेनॉल मैं डालूंगा, तो इसके लिए क्या होगा, आई तो बराबर 1 ही होगा, KF बराबर 1.86 हो जाएगा, WB बाय इथेनॉल का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 2H5OH, तो 5 और 6 30 हो जाए 46। ठीक है, एक मिनट, इथिलीन ग्लाइकोल का जो वेट होता है वो 60 होता है, माई मिस्टेक, यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल का जो वेट है वो 60 है और यहाँ पे इथेनॉल का वेट है 46, माई मिस्टेक। ठीक है, 1000 बाय कितना उसमें वाटर लिया, 1 लीटर ही लिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या डब्ल्यू भी नहीं निकाल सकता, ईजिली निकाल सकता हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वाटर फ्रीजेस एट, ठीक है, 0.3 डिग्री से, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इतना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, से पहले मैं मोलिलिटी निकाल लूँगा, और मुझे पता है P0 माइनस P बाई P0 से मैं क्या कर सकता हूँ, मोलिलिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन KG। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, P0 के वैल्यू 23 दिया हुआ है, तो क्या P नहीं आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके JEE वगैरह में पूछे जाते हैं, एक क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी देकर दूसरी क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी पूछ सकता है। तो आई होप सो यहाँ तक, क्योंकि कल मोस्ट प्रॉबली तुम्हारा लास्ट लेक्चर रहेगा, यहाँ से हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो आपको जो भी शीट दी हुई है चाहे वो नरेंद्र अवस्थी हो या नारायणा का जो भी मटेरियल फॉलो करते हैं उनको प्लीज़ बनाइए, बाकी चीज़ें कल करें।